हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे कि यूपीएसआई का कट ऑफ कितना जा सकता है। 2021 का जो आपका एग्जाम 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, है ना, उसकी कट ऑफ हम लोग जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और कितने नंबर तक के, कितने क्वेश्चन अगर आप सही किए हो तो आपको दौड़ में बुलाया जा सकता है। इनके भी बच्चे, इसके भी बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि इतने नंबर है तो दौड़ शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जानेंगे। क्या क्या जानेंगे आप लोग देखिए, कितनी जाएगी कट ऑफ, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है ना, कैटेगरी वाइज, है ना। नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा किसको मिल सकता है, कितना फायदा किसको मिलेगा, ये भी हम लोग जानेंगे। किस फेज वाले बच्चों को ज्यादा फायदा मिल सकता है इसका, और कितने सही प्रश्न वाले दौड़ की तैयारी कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कितनी कट ऑफ जानी है, है ना। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ये हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर बच्चों का सर्वे किया है, उनके नंबर के अनुसार हम लोगों ने ये कट ऑफ बनाई है, ठीक है। और इससे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। देखिए आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये प्रश्नों के आधार पे हम लोग जानेंगे कि किसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, है ना। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है प्रश्नों के आधार पर, किसके कितने प्रश्न अगर सही होते हैं वो दौड़ की तैयारी अपनी शुरू कर दे अभी से। देखिए जनरल में 105 प्लस वाले तो तैयारी अपना शुरू कर दें दौड़ की अभी से, है ना। ईडब्ल्यूएस वाले, जिनका ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो है, वो आप क्या कर सकते हैं, वो 100 प्लस जिनका है सही, वो दौड़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओबीसी वालों का भी यही आसपास का कट ऑफ रहेगा 100 प्लस क्वेश्चनों का। एससी एसटी का भी क्या होगा, 90 प्लस होगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एससी एसटी जिनका 90 प्लस सही है वो दौड़ की तैयारी शुरू कर दें अभी से, क्योंकि देखिए भर्ती जो है अभी पूरी होनी है, बहुत जल्दी पूरी होगी, और डेट भी आपका रिजल्ट का, इसका जो डेट का अनाउंस होगा ये जल्द ही हो सकता है, और उसको आपको दौड़ की तारीख भी बता दी जाएगी, है ना। और जो ये है जो सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन है, उनकी कट ऑफ देखिए, इनकी कट ऑफ जो जाती है 50% भी अगर उन्होंने क्वेश्चन कर लिया तो भी उनका हो जाता है। तो ये भी क्या, केवल इनको पास होना, 80 प्लस क्वेश्चन अगर इनका सही है तो ये अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, दौड़ के लिए इनको बुलाया जा सकता है। महिलाओं की बात करें तो फीमेल कैटेगरी का क्या हो सकता है कि जनरल में अगर आपने 100 प्लस किया है, तो पिछली बार भर्ती में क्या हुआ था दोस्तों कि महिलाएं कि जो सीट थी वो खाली चली गई थी, है ना, बहुत कम महिलाओं ने भाग लिया था, बहुत कम महिलाएं क्वालिफाई कर पाई थी, तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात को याद रखेंगे। 90 ईडब्ल्यूएस में 95 प्लस जिन महिलाओं का क्वेश्चन सही है वो दौड़ की तैयारी शुरू कर दे। ओबीसी के वाले भी यही है 95 प्लस के, और एससी एसटी में जो पासिंग केवल उनको करना, केवल पास करना, 80 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने थे, अगर उनका इतना सही है तो वो तैयारी शुरू कर दे। और ईएसएम वाले भी, ठीक है, एक्स सर्विस मैन वाले भी अपनी तैयारी शुरू कर दे, जिन जो 80 प्लस क्वेश्चन जिनका सही है। तो ये आपकी कट ऑफ थी, है ना। नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको हो सकता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फेज 1 फेज 2 फेज 3 तीन फेज में एग्जाम आपके हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीन शिफ्टों में पेपर हुआ था इसका, है ना। फेज 1 में जो बच्चे थे इनका जो पहला शिफ्ट का पेपर था इनका आसान आया हुआ था, है ना, ज्यादा फायदा इनको मिल सकता है। पूरा टोटल जो फर्स्ट फेज वाले बच्चे थे उनका जो पहले शिफ्ट में पेपर था उनको ज्यादा फायदा इसका मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ये सर्वे दोस्तों 1 लाख से ऊपर बच्चों पर कराया गया है, 1 लाख से ऊपर बच्चों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि ये इसकी कट ऑफ होनी चाहिए, ये कट ऑफ होगा। हाँ, एग्जैक्ट कट ऑफ इसे आप कह नहीं सकते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन या तो कम हो सकता है या फिर 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी हो सकता है, है ना। इसलिए मैंने देखिए 105 प्लस क्वेश्चन मैंने रखा दोस्तों, ये मैंने हम लोगों ने किन आधार पर रखा यह भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए पिछले भर्ती जो थी उसमें 3300 प्लस सीटें थी, और ये जो भर्ती है ये इसमें आपके 9500 प्लस भर्ती है, लगभग 3 गुना अधिक भर्ती है। और जो पिछली भर्ती जो थी 3300 लगभग की भर्ती थी वो, तो उसमें आपके 12000 के लगभग बच्चे बुलाए गए थे, मतलब 4 गुना लगभग के बच्चे बुलाए गए थे, तो इसमें भी 4 गुना ही आप समझ सकते हैं। अगर 9500 भर्ती है तो इसका भी आप 4 गुना समझ सकते हैं, लगभग 40 से 50 हजार बच्चों को क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है दौड़ के लिए। कितना, 40 से 50 हजार तक के बच्चों को क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। और इनमें
दौड़ में। एक बात और मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में लगभग 10% बच्चे जो है इसके छटते हैं, तो इसके 5000 बच्चे जो होंगे छट जाएंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। इसके छट जा सकते हैं 5 से 10 हजार बच्चे क्या होंगे, छटेंगे। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट आएगी वो किस पे बनेगी, 9500 जितनी भर्ती है, 9500 प्लस भर्ती, इस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस बात को याद रखेंगे। जिनका जनरल में मैंने आपको बताया, ओबीसी में भी बताया कि जिनका इन क्वेश्चनों से, इन इतने क्वेश्चन जिनके सही हैं, इससे अधिक के क्वेश्चन सही हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर कम भी है, जैसे जनरल वालों का 105 मैंने बताया, तो 102 क्वेश्चन भी जिनका सही है वो भी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जिन लोगों का होता है और जिन लोगों का इससे अधिक भी है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ लोग तो दौड़ में भी छट जाते हैं। तो आपको एक ऑप्शन लेकर के साथ में चलना होगा, यूपीपी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी की तो दिसंबर के इसी माह में वैकेंसियां क्या होंगी, शुरू हो जाएगी, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े, हमारे लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप टॉपर फोनिक्स के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, है ना। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए एकदम अभी से संकल्पित हो जाइए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए। और आपको क्या करना है, एक सीट इस बार तो लेनी ही है। देखिए, चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसियां क्लियर होंगी, हमारे चैनल पे जो क्लासेस चलेंगी आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, है ना, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस क्लास से जुड़ने के लिए, इस वीडियो से जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप सभी का।